बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे उम्मीद करनी है तुसी ठीक ठाक हो दे। कल जितों विलाग एंड किया ही विलाग का आगाज़ बिल्कुल उत्थे किया गया है। ये हमारे पास फिश है, फिश सान लफ्जा कह लो तो मछली है, ठीक है। मछली वास्ते देखो मैंने ना चावलों का आटा जो होता है उसको अच्छे से पीस लिया। ये हमें चाहिए था 3 से 4 टेबल स्पून। मच्छी को अच्छे से ये क्रिस्प करेगा, क्रिस्प। इसी के ऊपर हमने 3 से 4 टेबल स्पून जो है ना बेसन को करके तो मसल मुसल के चले आए, चलते हैं बाहर चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख खड़ी हूँ, ऑयल डाल के अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर वहीं से वीडियो को, वीडियो तो यहाँ से शुरू हो चुकी है। फिर आप बताती हूँ स्टेप बाई स्टेप मैं क्या क्या कर रही हूँ। ये देखें मैं ना इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, तो चलें चलते हैं बाहर। यहाँ पे जी कढ़ाई में ऑयल रख लिया, यहाँ पे मैं फिश ले आई हूँ। बाहर ऑयल हो गया अच्छा सा गरम, अब ब्रेक लेते हैं, आसान होती है फिर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे ऑयल हो गया था अच्छा सा गरम। ये देखें मैंने इसके अंदर डाल दिया जी मछली फ्राई होने के लिए। आपने इसको 3 से 4 मिनट एक साइड को दे के फिर इसको पलटना है। जल्दी डाल के मत चला दीजिएगा चम्मच के, आपकी मच्छी सारी टूट फूट जाए, वैसी हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे पहले मैंने सालन बनाया था, उसकी वीडियो आपके साथ नहीं शेयर, फिर किसी व्लॉग में करूँगी। पालक गोश्त बनाया है, नज़ारे चेक करो, बहुत यम्मी बहुत टेस्टी नज़र आ रहा है जी। यहाँ पे ये देखें मैंने एक साइड अच्छे से इसकी जो है ना ब्राउन शेड आ गया, तो फिश को जो है ना इसकी साइड चेंज किया, ये मज़े वाली फिश बन के तैयार होगी। ये देखें इतनी खुशबू और इतनी यमी सी फिश बन के तैयार हो रही है ना, इसकी खुशबुएं अभी से कह रही हैं मुझे खाओ। ये देखें इसके एक एक क्रिस्टल जो है ना लैदा से नज़र आ रहा है, ये निशानी है कि फिश आपकी अच्छे से फ्राई हो रही है। फिर जी मैं बना रही हूँ हलवा साथ, इसके लिए मैंने घी डाल दिया, घी हो गया गरम, इलायची डाल दी है, ये सूजी थी मेरे पास 1.5 कप वो डाल दी है। अब इसको करते हैं ब्राउन, सिंपल हलवा बनाएंगे चास के बगैर वाला, जल्दी बनने वाला क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और स्वीट डिश भी साथ होनी चाहिए। इतनी रेसिपी के साथ अगर स्वीट ना हो तो मज़ा ही नहीं आता।